Hello students, myself Sapeta Bhargav and I welcome you all to the Master Mandi School. Today we are going to start our chapter 10, Walls Tells Stories. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? Walls Tells Stories. रीस्ट गोलकोंडा. यहाँ पे एक ग्रुप है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप है. ये गोलकोंडा फोर्ट आया है घूमने. फोर्ट बच्चों बोलते हैं. ये किला यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, पहले महाराजा उन लोग, पुराने ज़माने में महाराजा उन लोग बड़ा बड़ा किला बनाते थे, बड़े बड़े किले बनाते थे, उन्हें हम फोर्ट बोलते हैं. तो ये लोग कहाँ घूमने आए हैं? गोलकोंडा घूमने आए हैं, ये अपनी दीदी के साथ गोलकोंडा घूमने आए हैं, जिन्हें हिस्ट्री पढ़ने में बहुत शौक है. शैलजा बोलती है, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. शैलजा क्या बोलती है? ओ माई गॉड, ये कितना बड़ा फोर्ट है, कितना बड़ा किला है. श्रीधर बोलता है कि वो सब तो ठीक है, तुम ये तो देखो कि इसकी ऊंचाई कितनी है. कल्याणी क्या बोलती है? जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. कल्याणी बोलती है, देखो इसके गेट कितने बड़े बड़े हैं. शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. वो बोलती है कि हाँ, ये गेट तो कितना बड़ा और कितना भारी है, मैं सोच रही हूँ कि इसमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए गेट को. कल्याणी बोलती है, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड. क्या बोलती है कल्याणी? ये आपको शार्प और आयरन स्पोक ही दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर नुकीले आयरन के स्पोक्स, नुकीला आयरन. ये कल्याणी बोलती है कि ये यहाँ क्यों बनाए गए हैं. शैलजा बोलती है, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. और वहाँ पे बहुत ही मोटी मोटी दीवारें बनाई गई थी, काफ़ी मोटी दीवारें थी. कल्याणी बोलती है, एट सम प्लेसेस द पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई. और कल्याणी क्या बोलती है कि कुछ कुछ जगह पे जो शेप है वॉल का, दीवार का जो शेप है वो राउंड है, मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों है. इस पर दीदी क्या बोलती है उन लोगों से? दीस आर कॉल्ड बैस्टन्स, हिंदी में बोलते हैं हम बुर्ज. सी दीस आर इवन हायर देन दी वॉल, द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बैस्टन्स, थिक वॉल्स एंड अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बैस्टन्स. सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी. दीदी बोलती हैं कि ये सब सिक्योरिटी, वहाँ की सुरक्षा के लिए है. ये आयरन की जो नुकीली दरवाज़ों पर लगी हुई नुकीले रॉड हैं, आयरन की रॉड हैं, और फिर लंबे लंबे बेस्टन्स बनाए गए हैं यहाँ पे, थिक बॉल्स हैं, सब बड़ा सा गेट है, ये सब वहाँ की सुरक्षा के लिए है. ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है बेस्टन के बारे में. ये जो ऐसी गोल दीवार है, ये जो दीवार है हमारे इधर, वैसे तो हमारे इधर रेक्टेंगल शेप में दीवार होती है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े फोर्ट में गोल दीवारें बनाई जाती हैं. व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट विल बी. डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो डैट ही कुड लिव हियर? शैलजा बोलती है कि मैं वंडर, मैं सोच रही हूँ ये कितना पुराना फोर्ट होगा. कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनादर फ्रॉम 1858 टू 1687. कितने लंबे समय के लिए, 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान्स हैं, उन्हें यहाँ पे रूल किया था. दीदी क्या बोलती हैं? मच बिफोर डैट इन 2200 This fort was made up of mud and different rulers lived there. Much before 1200 से भी पहले यहाँ पे कई शासक ने राज किया था. शैलजा, oh look, this board has a map of the fort. शैलजा क्या बोलती है? देखो यहाँ पे एक बोर्ड भी है जहाँ पे पूरा मैप दिया हुआ है. श्रीधर बोलता है, This map shows so many gardens, fields, factories. See, there are many palaces also inside the fort. Palaces होते हैं महल. तो श्रीधर क्या बोलता है? ये फोर्ट तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे तो पूरा गार्डन्स हैं, फील्ड हैं, फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है यहाँ पे.
शैलजा बोलती है डैट मीन्स डैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स वर्कर्स मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हेयर। शैलजा क्या बोलती है कि हाँ मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे। और कल्याणी बोलती है फिर तो ये कंप्लीट टाउन ही हो गया, पूरा टाउन ही हो गया ये। इवन इन दोज डे दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विद टू फ्लोर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पैलेस है जहाँ पे राजा लोग रहते थे उस ज़माने में भी। अभी हमारा 3 फ्लोर्स के घर बनते, उस ज़माने में भी 2 फ्लोर्स तक घर बनाए जाते थे, पैलेस बनाए जाते थे। कल्याणी नाउ द बिल्डिंग इज इन ड्यून्स बट नो वन कैन इमेजिन डेट अर्लियर देर वेर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। अभी तो ये बिल्डिंग पूरी रून पूरी ख़राब हो गई है, पर कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है कि यहाँ पे इतनी प्यारी बिल्डिंग थी। लुक एट दीज ब्यूटिफुल कार्विंग्स ऑन द वॉल, इट इज़ सो फाइन। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ उनकी दीवारों पे बनाई गई थी। वाह व्हाट इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखो आपको ये फाउंटेन दिख रहा है, पुराने ज़माने में 2nd फ्लोर तक में फाउंटेन पाए जाते थे। आज के ज़माने में तो इंजीनियर्स ऐसी दीवारें बनाते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जिसमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं, डंपनेस होती है वॉलों में। लेकिन उस ज़माने में भी कितनी परफेक्ट इंजीनियरिंग थी कि वो कितने प्यारे किले बना पा रहे थे। अब बच्चों यहाँ पे आपको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बताया है। एट द प्लेस यू वर वेयर डज द सनराइज वेयर डज इट सेट वेयर वर वेयर आर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट व्हाट All is there to your west. Find out what places are you north and south. आपको है ना सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और आपको आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पता ही होगा ये 4 डायरेक्शन होती हैं, आपको फाइंड करना है कि आप जहाँ पे सूरज के साइड मुंह करके खड़े हो तो आपकी कहाँ कहाँ कौन सी डायरेक्शन है। अब बच्चों ये आपको ये फोर्ट दिख ये पूरा मैप दिख रहा है, ये पूरा मैप गोलकोंडा फोर्ट का है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा फोर्ट था वो, कितना बड़ा किला था। इसमें पूरा स्टेयर्स भी हैं, बावली भी है, हौज भी है। बावली क्या होता है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं। हौज है, दरवाज़ा है, फतेह दरवाज़ा है, बामनी दरवाज़ा है, बूंदली दरवाज़ा है, यहाँ पर इब्राहिम बुर्ज है, बंजारा दरवाज़ा है, मतलब कितनी सारी एंट्रेंस हैं यहाँ से। और यहाँ पे दरवाजे के साथ साथ बाग है, पैलेस है, रोड है। ये रोड की मार्किंग है, ये सारी रोड की मार्किंग है, ये पैलेस की मार्किंग है, ये सारे जो हैं ये महल हैं, पैलेस हैं। तो आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बच्चों वो लोग चलते चलते जो वहाँ ग्रुप आया था वो लोग चलते चलते कैनन दिखी उनको, बड़ी सी गन दिखी जो वहाँ पे जा रहे थे। तो इन्हें ये ऐसी कैनन दिखी, आप लोग भी देख पा रहे होंगे इस कैनन को। कैनन होता है बड़ी सी गन जो पिछले ज़माने में यूज़ होती थी। शैलजा बोलती है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। शैलजा बोलती है सुल्तान की बड़ी सी गन होगी। दीदी क्या बोलती हैं इस पे, दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब हिज फुल आर्मी कम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट फॉर 8 मंथ्स दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट। दीदी ने क्या बोला कि औरंगजेब ने इसे यूज़ किया था और औरंगजेब यहाँ पे आया था लड़ाई के लिए, अपनी पूरी फौज लेके आया था वो अटैक करने इस फोर्ट पे, लेकिन वो फोर्ट के अंदर ही नहीं जा पाए थे। उन्हें 8 मंथ तक वो लोग बाहर पर कैंप करते रहे थे। शैलजा बोलती है व्हाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। शैलजा ने क्या बोला कि औरंगजेब दिल्ली से इतनी दूर से यहाँ क्या करने आया था। तो दीदी इस पर क्या बोलती है कि पुराने ज़माने में एम्परर्स और किंग ट्रिक्स खेलते थे। कैसी ट्रिक्स खेलते थे बच्चों, कि वो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों को अपनी अपनी जो पूरी उनकी ज़मीन है उसमें मिलाने की कोशिश करते थे कि ये ज़मीन भी हमको मिल जाए। वो ऐसी ट्रिक्स खेलते थे, कभी कभी फ्रेंडशिप के थ्रू, कभी कभी चीटिंग करके, कभी कभी मैरिजेस के थ्रू। और ये सब भी नहीं वर्क करता था तो फिर वो लोग क्या करते थे, अटैक कर देते थे।
कल्याणी बोलती है, वाई सेड डैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट, ही हैड सो मैनी सोल्जर एंड बिग गन्स। और कल्याणी क्या बोलती है कि औरंगजेब की आर्मी ये फोर्ट के अंदर आ क्यों नहीं पाई थी, जबकि उसके पास तो कितनी सारे सोल्जर्स और कितनी सारी गन्स थी। इस पर शैलजा क्या बोलती है, शैलजा बोलती है, डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, तुमने ये मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। इन दी मैम देर इज अ लॉन्ग डीप पिच पिट अलॉन्ग दी वॉल, हाउ कुड दी एन आर्मी एंटर। शैलजा ने क्या बोला कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं और दीवारें के ठीक बाद में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो आर्मी भला एंटर कैसे होती। श्रीधर बोलता है, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बेस्टर्न्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। श्रीधर ने क्या बोला कि अगर आर्मी दूसरे साइड से भी आती तो सोल्जर्स आर्मी जो फोर्ट के अंदर ना वो उन्हें देख लेते बेस्टर्न्स के थ्रू, इसलिए वहाँ आना बहुत ही मुश्किल था। कल्याणी बोलती है, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड। कल्याणी बोलती है कि पूरी आर्मी भले गन्स के साथ, भले किसी भी बहुत सारे सोल्जर्स गन के साथ आ रही है, पर यहाँ पे भी सुल्तान की आर्मी पूरी प्रिपेयर्ड थी। शैलजा क्या बोलती है, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ दी साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन दिस ऑल दिस फाइटिंग, वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। शैलजा क्या बोलती है कि कितने सारे सोल्जर्स इसमें घायल हुए होंगे, पता नहीं लोग ऐसे वॉर क्यों करते हैं। इस पर श्रीधर क्या बोलता है, गन्स और कैनन्स तो बहुत ही पुरानी बात है, पुराने ज़माने में गन्स और कैनन्स यूज़ करते थे, आजकल कंट्री इतनी डेवलप हो गई है कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, एक बॉम्ब गिराने से ही पूरी कंट्री का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आप लोगों ने नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा, वहाँ पर एक बॉम्ब गिराने से अभी तक वहाँ पर जो लोग पैदा होते हैं वो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे आपको ये व्हेन देयर वॉज नो टेलीफोन, पहले के ज़माने में टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो आपको बताया कि वहाँ के जो लोग हैं वो बात कैसे करते थे। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस, शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा, अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज़ वॉइस। दीदी ने हम सबको वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो उनके साथ में आए हैं, उनको बाहर रुकने को कहा और वो खुद दरवाजा, फतेह दरवाजा के पास चली गई। कुछ देर बाद दीदी की वॉइस आई, अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हुसैन, आई एम वेरी फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस, और वो सब लोग हंसने लगे। पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, तो ऐसा कम्युनिकेशन बनाया जाता था कि वो राजा फतेह दरवाजा के पास आके बोलता था और सबको पूरे पैलेस में वो आवाज़ सुनाई दे जाती थी। अब बच्चों अरेंजमेंट फॉर वाटर, आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे हो, आपको अगर आप ये पिक्चर बहुत अच्छे से देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होता था वाटर का। ये देखो, ये आपको बैल दिख रहे हैं, ये बैल चलते थे और ये रोटेट होता था, ये टूथ व्हील रोटेट होता था, और ये बाल्टियाँ जो हैं ये नीचे आती थी पानी लेके ऊपर चली जाती थी, और ऊपर जब जाती थी सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता था। तो पहले के ज़माने में भी लोगों के पास कितना दिमाग था कि वो नीचे का पानी ऊपर इकट्ठा कर लिया करते थे वॉल बाल्टियों के थ्रू, और जो ये गाय भैंस हैं इनका यूज़ करके वो जो है पानी इकट्ठा कर लिया करते थे। अब बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट है ना, वो लोग वाटर सेट साइड, वो लोग बातें करते हुए एक दूसरे के सुनते हुए और अपना एको सुनते हुए जा रहे थे थ्रू दिस महरब आर्क, ये महरब के थ्रू वो लोग जा रहे थे। एको होता है, हमारी आवाज़ अगर बार बार रिपीट होते हैं तो उसे हम एको बोलते हैं। श्रीधर क्या बोलता है, ओ द फ्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल, वो जब इस टनल से जा रहे थे तो उन्हें बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी। शैलजा बोलती है, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हेयर, शैलजा क्या बोलती है कि यहाँ पे सोल्जर्स जो हैं वो स्टे करते हैं। श्रीधर बोलता है, शी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक,
Oh, think how this wall has seen thousands of years go by. It has seen kings and queens and horses and elephants, war and peace. But we have spoiled it in just a few years. वहाँ पे वो लोग वॉल को देख रहे थे, तो वहाँ ये लोग ये बातें कर रहे थे कि ये जो वॉल्स हैं, इनने कितना कुछ देखा है, किंग्स को देखा है, क्यून्स को देखा है, मतलब इनने सारे वॉर को देखा है, पीस को देखा है, इन्हें सब कुछ देखा हुआ है, यहाँ की वॉलों ने सब कुछ देखा हुआ है। पर अब जो है हमने ये वॉल्स को भी ख़राब कर दिया। ये देखो अपना नाम लिख के चढ़ जाते हैं लोग वॉलों पे। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आपके आसपास की भी वॉल है तो उसमें अपना नाम गूद के चल जाते हैं। ये कोई बात हुई क्या, मतलब ऐसे अपना नाम गूद के चल जाते हैं लोग। कल्याणी क्या बोलती है, आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेसेस लाइक दिस। कल्याणी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि लोगों को क्या मज़ा आता है अपना नाम लिखने में इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस में। और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगे होते हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब लिखना बहुत ही सख्त तरीके से मना है यहाँ पे। Going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. गोलकोंडा म्यूजियम, गोलकोंडा फोर्ट पूरा देखने के बाद वो लोग चिल्ड्रंस कहाँ गए थे, म्यूजियम में गए थे हैदराबाद के। मैनी ओल्ड आइटम्स आर कैप्ट देयर, मैनी थिंग्स वी आर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, शॉर्ट्स एसेस्ट्रा। जब गोलकोंडा के आजू बाजू की जगह को खोदा गया तो देखा गया कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिली पुराने ज़माने की, जैसे कि पॉट्स, ज्वेलरी वगैरह ये सब मिली। शैला क्या बोलती है, ओ वाई आर दिस ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स कैप्ट इन दी अलमेरा, सी वॉट सी डैट स्मॉल प्लेट ऑफ प्लेट मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, डैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरेमिक क्ले। शैलजा बोलती है कि इन सबको अलमेरा में इतना सजा के क्यों रखा गया है। इस पर दीदी उन्हें क्या समझाती हैं, इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी केम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड। दीदी बोलती हैं कि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस ज़माने के लोग कैसे रहा करते थे, वॉट दे यूज एंड वॉट थिंग्स दे मेड, वो किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे और कौन कौन सी चीज़ वो बनाते थे। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन कैप्ट देयर, हाउ वुड यू नो हाउ मच अबाउट दोज टाइम्स। अगर ये सब चीज़ें हम बचा के नहीं रखते, यहाँ ये बचा के नहीं होती हैं चीज़ें, तो हमें इनके बारे में पता भी नहीं चलता। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मुझे आई होप मुझे आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आप इस चैप्टर को एक से दो बार और पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।